हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं यह है डेल्टा पील से एक एनालॉग ऑपरेशन। ओके, तो एनालॉग ऑपरेशन हम देखेंगे, बस एक सिंपल सा वोल्ट मीटर है हमारे पास, तो इसी से हम देखेंगे। साथ में वोल्ट मीटर का जो डिफ्लेक्शन है वोल्टेज का वो 10 वोल्ट है, और साथ में ये वोल्ट मीटर चल रहा है आपका 24 वोल्ट DC में। हम इसका अपन वैल्यू यहाँ पे साथ में एच में भी प्रोग्राम करके देखेंगे, और साथ में इसका जो वायरिंग है वो भी देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक लगे रहिए। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर एक लाइक करिएगा, और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ऑटोमेशन लाइन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। This is automation. Today's way of manufacturing. ये है ऑटोमेशन, आज के दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे HMI का प्रोग्राम होगा। ये जो नंबर न्यूमेरिक डिस्प्ले है, हम न्यूमेरिक डिस्प्ले जो से वैल्यू देखने के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे बस रीड एड्रेस हम लेंगे D1। ओके, D0 एंड टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो बस इतना ही है, उसके बाद फिर हमें को प्रोग्राम कंपाइल करके डाउनलोड कर देना है। तो सबसे पहले हम जो करेंगे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम PLC रह रहे हैं, और हमारा जो PLC का टाइप है वो SE सीरीज में है, और ये ईथरनेट से कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग पे आ गए। नेक्स्ट आपको चले जाना है ऑक्सिलरी सेटअप फॉर एक्सटेंशन मॉड्यूल्स। यहाँ पे चले जाने के बाद मतलब हम एनालॉग कार्ड के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो एनालॉग कार्ड जो भी कार्ड हमारे पास अवेलेबल है उसी कार्ड का सेटअप आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे पास जो कार्ड है मैं उसी का सेटअप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको देखिए, हम बस एक ही इनपुट के लिए सेटअप कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे चले जाना है, और साथ में हम इनपुट का स्टार्टिंग पे एक मेमोरी एड्रेस लेंगे जो कि कंटिन्यूस ऑन रहता है, और उसके बाद इसका जो यहाँ पे डाटा स्टोर होगा D1 ले लेते हैं। उसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए LDM0, उसके बाद ये एक इंस्ट्रक्शन ऐड हुआ, देन ओके ओके। तो इसी तरह से क्या होगा कि आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे ऐड हो गए एनालॉग कार्ड के लिए। तो अभी क्या होता है, एनालॉग कार्ड पे अगर हम डायरेक्ट इसको सिमुलेशन करेंगे तो देखिए क्या होता है। सिमुलेशन नहीं, हम इसको डायरेक्ट डाउनलोड ही कर रहे हैं अपनी PLC के अंदर। तो ये फर्स्ट टाइम तो ये प्रोग्राम जो है हमारा डाउनलोड हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इथरनेट कनेक्टिंग है और प्रोग्राम रन है। तो अभी प्रोग्राम को हम रन कर लिए, प्रोग्राम रनिंग है। अब बस ये K0 को ध्यान दीजिएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो अपना पोटेंशियो मीटर है इसको मैं थोड़ा घुमाऊंगा, तो इसका वैल्यू देखिए इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी 10 वोल्ट पे ये बहुत मतलब बहुत आगे चला गया है। 9 वोल्ट पे ये 1970 ऐसे करके कुछ वैल्यू दे रहा है। हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, जो भी इसका मेन वैल्यू है वो वैल्यू हमें देखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, डिलीट होना। तो जो भी इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, डिवाइड करेंगे कि इसको D0 को कितने से डिवाइड करेंगे, 200 से। इनपुट एरर बता रहे हैं। अच्छा, डिवाइड करके वैल्यू को रखना भी है। तो DIV D0 को डिवाइड करें 200 से, उसका वैल्यू हम सेव करेंगे D1 पे। तो ये D1 का मेन एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे। उसके बाद आप चाहे तो ये जो D1 का वैल्यू है इसको आप HMI पे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बस एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे दो आउटपुट ले लेते हैं। तो आउटपुट को हम लेस देन ग्रेटर देन के साथ यहाँ पे देखेंगे। तो D1 का वैल्यू कितना, अगर एक से ज्यादा हो तो हम एक इंस्टा एक को ऑन करते हैं, एक आउटपुट को। और यहाँ पे आउटपुट हम लेंगे Y1 लेते हैं, V1 ले लेंगे। दूसरा और एक आउटपुट लेते हैं, मान लीजिए डी, इस बार हम डी का वैल्यू लेंगे 3। ये 3 से अगर ज्यादा होगा तो डी का इस बार हम वैल्यू ले रहे हैं 3,
तीन से अगर ज्यादा होगा तो दूसरा और एक आउटपुट ऑन होगा, ठीक है। चलिए वाई थ्री लेते हैं। तो प्रोग्राम ये कंपाइल हो चुका है, नेक्स्ट कंडीशन है प्रोग्राम को डाउनलोड करना पीएलसी के अंदर, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि के जीरो अभी 200 से डिवाइड होके यहाँ पे वैल्यू शो करेगा। तो ये मैं पोटेंशियोमीटर को रोटेट कर रहा हूँ, तो उसका एग्जैक्ट जो भी वैल्यू होगा लाइक 1 2 3 4, मतलब ये वोल्टेज पे शो कर रहा है, हाईएस्ट 9 वोल्ट तक यहाँ पे आपको दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 9 वोल्ट, ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर वोल्ट मीटर आपको दिखाएं तो यहाँ पे 9.787 वोल्ट है, ठीक है। तो पॉइंट का हम यहाँ पे नहीं लिया, पॉइंट के लिए फ्लॉट लेना होता पॉइंट के, तो वो हम नहीं लिया। तो इस बार हम चलते हैं कि वायरिंग पे, वायरिंग कैसे किया हमने इसका, ठीक है। तो वायरिंग में क्या होगा, मान लीजिए ये आपका एनालॉग कार्ड है जहाँ पे A1 V1, उसके बाद इसका कॉमन। तो ऐसे क्या होता है कि A1 आपका एम्पियर के लिए है, V1 वोल्टेज कॉमन है, तो कॉमन कॉमन टर्मिनल होता है। तो हमने क्या किया, ये सबसे पहले पीएलसी मतलब इस कार्ड को ऑन करने के लिए आपको पावर देना होता है एनालॉग कार्ड पे, पीएलसी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो कि 24 वोल्ट डीसी सप्लाई होता है, और इसके साथ एक ग्राउंडिंग मतलब अर्थिंग आप ले लिए। नेक्स्ट है एक पोटेंशियोमीटर जिसका 24 वोल्ट डीसी दे दिया और 0 वोल्ट नेगेटिव, सेम आप इसी टर्मिनल से ले सकते हैं, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है। पोटेंशियोमीटर का जो वोल्टेज वेरिएशन, जो वोल्टेज डिफ्लेक्शन होता है वोल्टेज वाला पोर्ट, वो आप लगा दिए वी पर, ठीक है। और इसका कॉमन निकाल के इसका जो मेन पावर सप्लाई का नेगेटिव है यहाँ पे आप लगा दिए। तो ये ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये है इसका मेन वायरिंग, तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके वायरिंग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस दो वायर यूज हुआ, देखिए V1 पे एक वायर आया है बस, और कॉमन पे एक वायर आया, तो बस यही है मेन। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक लाइक करिएगा, और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।